विधानसभा में जमकर गर्जे सीएम योगी, कानून व्यवस्था पर दिया अखिलेश को जवाब, कहा माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। बांदा के बेंदा घाट में यमुना ब्रिज क्षतिग्रस्त, ब्रिज के बीचों बीच आर पार हुआ बड़ा होल। डिजिटल हुई चंदौली पुलिस, कैश नहीं मिला तो पेटीएम से अवैध वसूली की, आरोपी चौकी इंचार्ज और दीवान गए जेल। फिरोजाबाद में परिवार के लोगों में कहासुनी को लेकर विवाद, महिलाओं पर बरसाए जमकर लात घुसे। सोनभद्र में युवाओं ने की खेल मैदान की मांग, निकाली 40 किलोमीटर लंबी पदयात्रा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश खबरों की। शनिवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने प्रयागराज में राजोपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह की हत्या का मामला उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा कि हम माफियाओं के खिलाफ है, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना, कानून व्यवस्था को लेकर विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। सीएम योगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से अतीक अहमद सांसद बना, एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार पहनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर कसने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह रहा हूं इसी है, इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है, सरकार किसकी है, अखलाक का हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे अपराधी। आप खबर बांदा से है, जहां बेंदा घाट में यमुना ब्रिज के क्षतिग्रस्त होने का मामला सामने आया है। बता दें बांदा बहराइच मार्ग पर जोखिम भरा आवागमन हो रहा है, ब्रिज के बीचों बीच आर पार हुआ बड़ा होल। मामला तिंदवारी थाना अंतर्गत बांदा बहराइच यमुना मार्ग का है, जहां नदी बेंदा घाट का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से आर पार होल हो गया है और एक बड़ा होल हुआ है। चंदौली की पुलिस एक बार फिर से अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में आ गई है। मामला अवैध वसूली और भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जो असली पुलिस और नकली पुलिस के गठजोड़ से संचालित हो रहा था। मछली नदी गाड़ी के चालक से शिकायत के बाद विभागीय जांच में प्रथम दृष्टिया नई बाजार चौकी इंचार्ज और एक पुलिसकर्मी की संलिप्तता की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने के साथ ही दोनों दोषी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दरअसल घटना के चलते मछली व्यापारी ने अंकुर अग्रवाल से सीधे शिकायत की, बताया कि यूपी की सीमा में दाखिल होते ही उसके मछली लदे ट्रक को रोक लिया गया। इस दौरान दो वर्दीधारियों के साथ मौजूद 4 अन्य ने वाहन चालक को धौंस दिखाकर रोका और उसे छोड़ने के एवज में बड़ी रकम की मांग कर डाली, जिसके बाद वे नौबतपुर से आई बाजार पुलिस चौकी लाया गया। यहां उसे पुलिस अधिकारी की अपने स्वामी से टेलीफोन से बातचीत कराई गई और मामला हल करने के लिए बड़ी रकम लेन देन में कैश देने की बात कही गई, जिसके बाद कैश ना होने पर पेटीएम से पैसे दिए गए। सूचना मिली थी कि गैर प्रांत से कुछ लोग ट्रक से मछली का दाना लेकर जा रहे थे, जिनसे बदमाशों द्वारा अवैध वसूली का प्रयास किया गया, जिसके संबंध में थाना सकरलिया पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और उन बदमाशों की तलाश की जा रही है। यह भी शिकायत मिली है कि कुछ पुलिसकर्मियों की भी संलिप्तता है, जिसकी जांच कराई जा रही है। जांच के पश्चात उनके विरुद्ध विभागीय एवं अन्य विधिक।
खबर फिरोजाबाद से है, जहां कुछ दिन पहले किसी बात को लेकर परिवार के लोगों में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने दो महिलाओं पर जमकर लात घूंसे बरसाए। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्रांतर्गत बदीपुर का है, जहाँ घटना के बाद से ही आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनको पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। देखिए, कल एक जो मामला प्रकाश में आया है, उसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें महिलाओं को कुछ लोग पीटते नज़र आ रहे हैं। बाद में जब इसके बारे में पता लगाया गया तो ये ठार वाजिदपुर है, थाना दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे एक ही परिवार के लोगों द्वारा जो है आपस में मारपीट की गई है, जिसमें महिलाओं को मारा पीटा गया, वही वीडियो है वो। उसके बारे में तत्काल जो है मेरे द्वारा संज्ञान लिया गया और उसमें जो है थाना दक्षिण को निर्देशित किया गया। मौके पर गई, कुछ लोगों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो लोग भागे हुए हैं। लेकिन जो है जिन महिलाओं के साथ ऐसा मारपीट की गई है, उनसे तहरीर लेके जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है। उनकी धरपकड़ करने का प्रयास जो है लगातार थाना दक्षिण पुलिस द्वारा जो है किया। खबर सोनभद्र से है, जहां युवाओं ने खेल मैदान की मांग की है। मांग को लेकर युवाओं ने पदयात्रा निकाली। पदयात्रा डाला बाजार से लगभग 40 किलोमीटर दूर तय कर जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई। युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर डीएम चंद्र विजय सिंह को ज्ञापन सौंप कर खेल मैदान की मांग की। युवाओं का कहना है कि खेल मैदान होने से लोगों को शरीर स्वस्थ रखने में मदद मिलेगी, साथ ही युवाओं को नशाखोरी की ओर जाने से रोका जा सकता है। बता दें, डाला निवासी कई वर्षों से खेल मैदान की मांग कर रहे हैं। हम लोग आज पद यात्रा करके जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन देना चाह रहे हैं कि हम लोग काफी वर्षों से ग्राउंड के अभाव में कोई भी गेम नहीं खेल पा रहे और अभी तक हम लोग सभी को दे चुके हैं, नगर पंचायत ईओ साहब को दे चुके हैं ज्ञापन, वो भी कुछ नहीं किए हैं। एसडीओ साहब को हम लोग ज्ञापन दिए, वो भी कुछ नहीं कर पाए अभी तक। और खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी जी को भी हैं, भूपेश चौबे हमारे सदर विधायक जी को भी दे चुके हैं, संजय निषाद जी राष्ट्रीय पार्टी निषाद पार्टी के उनको भी दे चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। यहाँ तक कि जिलाधिकारी महोदय को भी हम लोग एक बार दे चुके हैं, लेकिन इस बार हम लोग पद यात्रा करके उनको सूचना देना चाहते हैं कि लड़के आखिर कहाँ खेलने जाए, क्या डाला को हमेशा हीन भावना से लोग देखना चाहते। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।